नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सारे। कल पटवार का रिजल्ट आया, जिनका हो गया डबल के अंदर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से, और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं। लेकिन बोर्ड ने जो किया वो कहीं ना कहीं गलत किया है। नॉर्मलाइजेशन के नाम पे जो इन्होंने किया है, नॉर्मलाइजेशन का मतलब सीधा है कि सभी पेपरों को नॉर्मल करना होता है। नॉर्मल करने का मतलब यह है कि जो पेपर टफ था उसको, यानी ये मान लो चार आदमी हैं ऊंचे नीचे खड़े, किसी के पैर काट रहे हैं, किसी के सर काट रहे हैं, उनको बराबर लाने के लिए, यानी कि जो पेपर इजी था उसके नंबर घटा दिए, जो टफ थे उसका नंबर बढ़ा दिया। अब आपने चौथी शिफ्ट में क्या किया मालिक हजूर, पहले तो ये बताइए किस आधार पे कर रहे हो आप कि ये पेपर इजी था ये टफ था, जब आपको पता है कि ये पेपर इजी था ये टफ था। तो जब आपने पेपर बनाए, क्या उस समय तुम लेवल के नहीं बना सकते थे? क्या उस समय ऐसा नहीं कर सकते थे कि सारे पेपर नॉर्मल होंगे या सारे के सारे पेपर टफ होंगे? चौथी शिफ्ट में आपने 15 नंबर घटा दिए। क्या होता है 15 नंबर पता है क्या? बहुत होते हैं। एक कमरे में ही बीत गई जवानी, ना मोहब्बत मिली और ना ही नौकरी मिली। कुछ बच्चों के ऐसे मैसेज आए, आपने गलत किया है नॉर्मलाइजेशन के नाम पे। कैसे गलत किया है मैं बताता हूं आपको। आप देखिए, मैं दो मैसेज दिखाता हूं आपको। ये बंदा, इसके नंबर है बाकायदा मेरे पास, इसने मैसेज किया मेरे को कि सर मेरा आरएस पास है, एसआई मैं पास हूं, एनटीपीसी मेरा पास है, राजस्थान पुलिस में भी मैं पास हूं और दिल्ली पुलिस में भी मैं पास हूं, पटवार में 226 नंबर लेके भी मैं फेल हूं। तुमने नॉर्मलाइजेशन के नाम पे इंटेलिजेंट बच्चों को बाहर निकाला है। क्या ये इंटेलिजेंट नहीं है? जिसने आरएस प्री पास कर दिया, जिसने एसआई पास कर दिया, इतने एग्जाम पास करके और वो तुम्हारे नॉर्मलाइजेशन की चपेट में आ गया है। 226 नंबर कम नहीं होते साहब, ये बहुत बड़ी संख्या होती है। और आपने एक बच्चे, इतने इंटेलिजेंट बच्चे को आपने बाहर किया, तो आपने सही नहीं किया है ये नॉर्मलाइजेशन। अगर आप करते तो पहले कर लेते यार, पहले टफ बनाना था। ये तुम्हारी कमी तुम्हारी थी कि तुमने चार पेपर लिए, एक ले लेते भाई, तुम चार में से छंटनी करके और तरीका निकाल लेते कोई, किसी में बढ़ा रहे हो, सब में बढ़ा दिया आपने, सिर्फ एक में घटा दिया, और जिसकी बदौलत से ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे जो है वो बाहर आ गए। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या करूं, हम क्या बताएं क्या करें। ये तो हमारे अध्यक्ष साहब जाने बोर्ड के, उन्होंने क्या किया है उनसे पूछो, क्यों हो सकता है ये कल को आपको भी पूछना शुरू कर दे, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया अकाउंट हो सकता है आपका भी होगा। मेहनत से नहीं, आज किस्मत से हार गए। मेहनत तो खूब की लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। चौथी शिफ्ट में 226 नंबर लाकर पटवारी में नहीं हुआ। 226 नंबर इसके बहुत है, कह रहा है कि आशीर्वाद लेने आते, लेकिन ग्राम विकास कहीं ना कहीं होगा। ये नहीं है कि ये बहुत होशियार बच्चे हैं, ये कहीं ना कहीं होगा इनका, लेकिन आपने ये सही नहीं किया। क्योंकि 15 नंबर बहुत बड़ी संख्या होती है जिसे आपने घटा के बहुत बच्चों को बाहर कर दिया, ऐसे बच्चों को कर दिया जो बड़े ही इंटेलिजेंट बच्चे थे। सिस्टम में कहीं ना कहीं कमियां हैं और इसका खामियाजा चुनाव में जरूर मिलेगा, जहां तक मुझे लग रहा है। हम आपको कोई बद्दुआ नहीं दे रहे, लेकिन जो लोग संघर्ष कर रहे हैं हम उनके साथ हैं। वर्तमान में विकास जी जाकर जो संघर्ष कर रहे हैं इस सिस्टम के खिलाफ, हमारा समर्थन, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। हमारा संघर्ष आपके, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। हमारे पास जो भी है, हमारे पास सोशल मीडिया पावर है, हम आपके साथ है सोशल मीडिया द्वारा। जो नहीं जा सकते, हम नहीं जा पाए, लेकिन हमारा समर्थन जरूर है आपको। आप भी अगर नहीं जा पाते तो उनका समर्थन कीजिए, उनका हौसला अफजाई कीजिए, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपके लिए जरूर लड़ रहे हैं। तो मैं माफी चाहूंगा जिनका होशियार होके भी नहीं आ पाए, हमसे जो होगा मैं आपको कम फीस में पढ़ा सकता हूँ, आपके लिए फ्री व्यवस्था कर सकता हूँ सारी। मुझसे जो होगी, जिन बच्चों के साथ गलत हुआ, मुझसे जो भी होगा वो मैं मेरी तरफ से कोशिश जरूर करूंगा। बाकी जिनका हो गया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं। ओके, थैंक यू।